आज मैं आपको एपिलेप्सी, फिट्स, मिर्गी, झटके, हिस्टेरिया, ये जो बीमारियां हैं इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये जो है ना, ये दो प्रकार की बीमारी होती है। एक है एपिलेप्सी या अकड़ी या फिट्स या झटके, जो भेजा जो है या ब्रेन जो है, मस्तिष्क, उसकी बीमारी की वजह से होती है। और दूसरी जो है, जिसको हम हिस्टेरिया बोलते हैं या फिट्स बोलते हैं, तो वो जो बीमारी है वो मन की बीमारी की वजह से ये हिस्टेरिया की बीमारी होती है। मतलब हिस्टेरिया एक्चुअली मन की बीमारी उसको कहते हैं। अब इसमें दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि हिस्टेरिया में जो झटके आते हैं तो एक अलग तरह से झटके आते हैं। एपिलेप्सी के झटके अलग तरह से होते हैं। अब हिस्टेरिया में यूजुअली वो जो दिखाई देता है वो एक यंग लड़की है ना, रिसेंटली मैरिड है, बहुत ही कुछ दिन पहले शादी हुई है, और कुछ तो भी दिमाग के ऊपर टेंशन, तान तनाव है, और उसके वजह से उसको झटके आना शुरू हो जाते हैं। ये जो झटके हैं, ये टिपिकली ऐसे रहते हैं कि जिसमें वो लड़की बैठे बैठे गिर जाती है। जैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, अभी मेरे पास में एक लड़की आई थी, एक साल पहले शादी हुई, घर में करीब 18 लोग है, और घर में उसको पूरा काम घर में खुद को ही करना पड़ता है। सब घर के लोग खेत पे जाते हैं, मजदूरी करते हैं, और ये घर पे काम करती है, सवेरे से रात तक वो खाना पकाना, खिलाना, इसके सिवा उसको कोई काम नहीं। शादी के पहले उसने कभी इतना काम किया नहीं, और उसका दिमाग टेंशन मतलब बढ़ते गया, घर में अकेली अकेली खाना बना रही, खिला रही है, और उसको फिर ये हिस्टेरिया के झटके आना शुरू हो गए। ये हिस्टेरिया के झटके में उसको होता क्या था कि वो बैठे बैठे गिर जाती थी, दांत खिले बैठना, हाथ पैर टेढ़े करना, और सोना, मतलब ऐसा लगता हमको भाई पेशेंट बेहोश हो गया है या सोई हुई है। फिर वो उसके रिश्तेदार उसको कोई प्यास सुंघाएंगा, कोई चप्पल सुंघाएंगा, कोई कुछ सुंघा के उसको फिर 15 मिनट आधे घंटे के बाद में उसको वो जाग आती थी और वो होश में आती थी। तो ये जो बीमारी है कुछ तभी टेंशन की वजह से होती है, और अक्सर वो दिखाई देती है लड़कियों को, लड़कों को भी होती है, ऐसा नहीं है, पर लड़कियों को ज्यादा दिखाई देती है, इसको बोलते हिस्टेरिया। और ये जो झटके आते हैं वो करीब करीब 8, 10, 15, 20 एक दिन में आते हैं। और इसका जो इतिहास है, इसकी जो हिस्ट्री है, वो बहुत पुरानी नहीं रहती। ऐसा ये झटके पूछा जाए तो वो 8-15 दिन से चालू है ऐसा मालूम पड़ता है, 8-15 दिन, महीना भर ऐसा मालूम पड़ता है। और इसका इलाज जो है वो उसका मानसोपचार, फिर हम सम्मोहन उपचार करते हैं कि जिसके वजह मतलब वो उपचार में उसके मन में जो है वो निकालना, फिर काउंसिलिंग करते हैं, उससे बातचीत करना, क्या टेंशन ले रही वो, सम्मोहन उपचार में उसको क्या किया जाता है कि उसको रिलैक्स किया जाता है, और रिलैक्स करने के बाद में उसको सूचनाएं देते हैं, रिलैक्सेशन करने के बाद में, और सूचना देते देते वो सिचुएशन उसको विजुअलाइज करने के लिए बोलते हैं कि वो सिचुएशन विजुअलाइज कर, जो भी टेंशन है वो विजुअलाइज कर, और उसमें भी तुमको क्या संभव है। देखो, फिट आना ये एक संभावना है कि टेंशन है तो फिट आ गई, अभी टेंशन है तो वो टेंशन को सहना और सह के अपना जीवन जीना ये कैसा संभव है वो उसको सिखाते हैं सम्मोहन की अवस्था में, या उसको काउंसिलिंग में बताते हैं, या उसको जो मानसोपचार करके बताते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा यदि अटैक आते हैं तो पेशेंट को सुला के रखना पड़ता है, या यदि उसको डिप्रेशन है मतलब निराशा है, हताश है, या टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो उसको फिर वो तरह की एंग्जाइटी मतलब चिंता कम करने वाली, निराशा कम करने वाली दवाई उसको देनी पड़ती है, या डिप्रेशन कम करने वाली दवाई उसको देनी पड़ती है। तो ये हो गया हिस्टेरी, जो मन की वजह से होती है। अभी दूसरी जो बीमारी है जो अक्सर इसमें मेल जोल के मतलब समझ में कभी कभी हमको भी आता नहीं है, वो है एपिलेप्सी या मस्तिष्क की बीमारी, या भेजे की बीमारी, या ब्रेन की बीमारी। ये कोई किसी को भी हो सकती है, मतलब लड़का लड़की, बड़ा आदमी, कोई किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। और इसका कारण ब्रेन में, भेजे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ बीमारी उसकी वजह से उसको फिट्स आती है। अब ये फिट कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। ये फिट्स में होता क्या है कि वो व्यक्ति सडनली एकदम झटके से गिर जाए, बेहोश हो जाए, वो उसकी जवान जो है वो दांत के नीचे आ जाएंगी, दांत खिले बैठ जाएंगी,
और फिर उसको हाथ पैर ऐसा ऐसा मुंह टेढ़ा हो जाता है, एक तरफ हो जाता है, हाथ पैर में ऐसे छिटके आना शुरू हो जाता है, आंखें ऊपर जाती है और वो फटाक से गिर जाएगा। कहीं भी उसको लग सकता है, सिर को लगता है, कभी कुछ बेड है या टेबल या कुछ भी उसको पत्थर है लग जाता है। ये जो झटके है वो कहीं भी आते, मतलब रोड पे भी आ सकते है, व्हीकल चलाते चलाते आ सकते है, गैस के पास में आ सकते है, पानी के पास में, बाथरूम में, कहीं भी आ सकते है, ये रात को नींद में भी आते हैं। जैसे हिस्टीरिया के झटके जो है वो नींद में नहीं आते, ये झटके जो है एपिलेप्सी के मतलब ब्रेन की, वो नींद में भी आ सकते हैं। ये जो झटके जो आते हैं तो उसको मतलब वो 15 सेकंड 30 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक झटके आते रहते हैं और वो धीरे 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 झटके आना बंद हो जाता है और वो एक 5-10 मिनट के बाद में वो व्यक्ति होश में आ जाता है। अब हमको ये देखना पड़ता है कि इसका इलाज क्या है, तो ये हुआ क्यों, ये झटके क्यों आ रहे हैं, तो देखना पड़ता है कि एक तो उसका सीटी स्कैन करो, या फिर ऐसा कुछ लगा कि नहीं सीटी स्कैन से नहीं होगा तो उसका एमआरआई करो, या फिर हम उसका इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम भी करते हैं। जैसा ये हार्ट का जैसा कार्डियोग्राम रहता है वैसा वो इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम, ऐसी रेशा रेशाएं आती रहती है और उससे भी मस्तिष्क का हम डायग्नोसिस करते हैं कि भाई बीमारी क्या है, अंदर कुछ ट्यूमर है क्या, या अंदर कुछ टीबी है क्या, सूजन है क्या, या अंदर बीमारी कुछ है क्या कि जिसकी वजह से उसको झटके आ रहे। एक बार निदान उसका हो गया कि भाई उसको भेजे की बीमारी की वजह से झटके आ रहे हैं, तो फिर वो उसका मतलब ट्यूमर का ट्यूमर निकालना पड़ेगा, टीबी है और टीबी की वजह से आ रहे झटके तो टीबी का इलाज करना पड़ेगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिमाग में कोई कारण नहीं मिल रहा है, मतलब दिमाग में जैसे वो समय उस समय जब जब झटके जब आते हैं तब एकदम सडनली भेजे में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तैयार हो जाते हैं इतने जोर के और इतनी मात्रा में, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंट्रोल नहीं होने के कारण वो शरीर में भी झटके उसको दिखते रहते हैं। तो ये झटके जब है तो उसको वो इसका हम इलाज करते हैं, और जब इलाज करते हैं तो उसका मतलब दवाई का इलाज होता है, गोलियां देते हैं, और जब उसको दवाई देते हैं, गोली देते हैं, तो गोली 3 साल तक लेनी पड़ती है। अलग अलग किस्म की गोलियां हैं, मतलब काफी सारी 8-10 प्रकार की गोलियां हैं कि उसमें से कोई भी गोली हम उसको चुन के देते हैं कि वो व्यक्ति को, वो रोगी को कौन सी दवाइयां हमने देना चाहिए करके, और दवाई देते हैं तो 3 साल दवाई लेनी पड़ती है। होता क्या है कि उसको झटके आना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर बोलेगा ठीक है अभी मैं ठीक हो गया, अभी गोली बंद कर देगा, गोली बंद कर देगा तो उसके बाद में उसको झटका आना फिर से शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद में 3 साल हो गया। तो उससे अच्छा यही है कि एक बार दवाई चालू कर दिया, बीमारी अच्छी हो गई, तो 3 साल तक उसने दवाई लेना जरूरी है। तो इस तरह का उसका इलाज होता है। अब लोगों को लगता है कि भाई हम शादी के बाद में उसका मतलब गोली चालू रखना कि नहीं रखना, फिर शादी करना है तो फिर शादी कैसे करना, वो लड़के वालों को या लड़की वालों को बताना क्या। अभी क्या है कि इसमें हमारा जो निर्णय है वो बहुत ही मतलब ऐसा रहता है कि हमने क्या बताना हमको पता लगता नहीं है, क्योंकि ये हम तो ये बोलते हैं कि भाई शादी के पहले यदि बीमारी है तो ये साफ साफ बोल दिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि साफ बोला नहीं तो फिर क्या होता है कि कोई भी लड़कियां लड़कियों की पार्टियों को ऐसा लगता है कि हमको इसमें फंसाया गया है। ये बीमारी अच्छी होती है ताकि जो अच्छी हो रही है तो इसमें शादी में कोई बाधाएं आती नहीं है, शादी व्यक्ति कर सकती है और अपना जीवन अच्छी तरह से वो जी सकता है। हमारा ऐसा मकसद है कि ये बीमारी चाहे वो हिस्टेरिया हो या चाहे एपिलेप्सी हो, ये बीमारी पूरी तरह अच्छी हो सकती है, इसका कोई मतलब बाहरी इलाज नहीं है, वह भूत पलित है या बाहर की कुछ बाधाएं उसको हो गई है, तो इसलिए भी लोग खेड़े पाड़े के जो है देहात के लोग उसका बाहर का इलाज करते रहते हैं, और तो वो ऐसा करना नहीं है। लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी लोगों को देना, जैसा भी आप मेरा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप लोगों को बोलो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाओ कि ये ऐसी इस तरह की बीमारी अच्छी हो सकती है। इसकी जानकारी हमारे वेबसाइट पे भी है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक करो, शेयर करो, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। और हमारा जो मकसद है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल है ना, सबको मानसिक स्वास्थ्य, उसके लिए भी आप भी आपका हाथ लगाओ और सब तरह मतलब ये मेंटल हेल्थ फॉर ऑल इन अवर कंट्री, हमारे देश में सबको मानसिक स्वास्थ्य मिले, इसलिए आप भी आपका हाथ बटवाओ, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये आप वीडियो लोगों को शेयर करो, मेरे वीडियो मतलब ये जो यूट्यूब चैनल उसको आप मतलब सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और इसमें सहयोग। Thank you very much.